आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बस से उतरकर करीब आधा घंटा पैदल चलने के बाद मैं और मेरा भाई शुभम हम दोनों अपनी मौसी के घर पहुंचे। तो काफी दिनों के बाद मौसी से मिलकर हमें काफी खुशी हुई। असल में हम 5 सालों के बाद अपने मौसी के घर आए थे। मौसी का घर गांव के इलाके में होने के कारण मुझे बार बार यहां आने का मन करता है, मगर मेरे काम के चलते मैं यहां आ नहीं पाता हूं। खैर, मौसी के घर पहुंचकर जब मैंने अपनी निगाहें घड़ी में घुमाई तो वक्त हो रहा था शाम के 5 बजे का। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 5 बजे ही आसमान पर अंधेरा छाने लगा था। ऊपर से गांव का इलाका होने के कारण ठंड काफ़ी तेज लग रही थी, जिस कारण बाहर धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा था। वैसे भी इस गांव में लोग ज़्यादा रात तक बाहर नहीं निकलते, और ठंड के मौसम में तो और भी नहीं। खैर, देखते ही देखते 4 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला, जिसके बाद ठीक रात के 9 बजे मौसी ने हमारा खाना लगा दिया। तो हम खाना खाने बैठ गए। खाना खाते वक्त मैंने मौसी से कहा, मौसी, जब मैं पिछली बार आया था तो इस गांव के पुराने मंदिर के बारे में लोगों के मुंह से तरह तरह की बातें सुन रहा था। तो पुराना मंदिर का नाम सुनते ही मानो मौसी की शक्ल डर के मारे उतर गई। कुछ देर चुप रहने के बाद मौसी ने कहा, तुम दोनों को उस पुराने मंदिर के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ, भूल से भी शमशान के पीछे उस पुरानी मंदिर की तरफ मत जाना। इस पर मैंने मौसी से कारण पूछा। पहले पहले तो मौसी ने कारण बताने से मना कर दिया, मगर मेरे काफ़ी ज़िद करने के बाद मौसी ने बताना शुरू किया। आज से काफ़ी साल पहले वो मंदिर तांत्रिकों का डेरा हुआ करता था। पहले पहले तो सब कुछ ठीक था, मगर अचानक ही कुछ दिनों बाद उस मंदिर में मौत का खेल शुरू हो गया। सभी तांत्रिक शैतान की पूजा करने लगे, और साथ ही साथ हर अमावस को नर बलि भी देने लगे। हर अमावस को शैतानी मंदिर और उसके आसपास का इलाका बलि की चीख से गूंजने लगा, जिस कारण गांव के सभी लोग डरे सहमे से रहने लगे। लोग रात तो दूर, दिन में भी घर से निकलने से कतराते थे, और अमावस में तो कोई भी गांव वाला घर से एक बार भी बाहर नहीं निकलता था। ये मौत का खेल काफ़ी दिनों तक चलता रहा, मगर जब गांव के काफ़ी लोग लापता होने लगे तो गांव वालों ने दूसरे गांव से मदद मांगी, जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर उन सभी तांत्रिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आज भी लोग उस शैतानी मंदिर के आसपास भी जाने से कतराते हैं। कईयों का तो मानना है कि आज भी अमावस की रात में उस मंदिर से लोगों की चीखें सुनाई पड़ती है। हमारा खाना खत्म होते ही मौसी की बात भी खत्म हो गई, जिसके बाद मैं और शुभम अपने कमरे में सोने चले गए। अभी हम बिस्तर पर लेटे ही थे कि तभी मैंने शुभम से कहा, भाई, कल अमावस है, क्यों ना हम कल रात को चुपचाप मंदिर जाएं और देखें कि सच क्या है। इस पर शुभम कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, हाँ ठीक है, कल चलकर देखकर आते हैं क्या माजरा है। सारी बात तय करने के बाद हम सो गए। फिर अगली सुबह जब हमारी नींद खुली तो वक्त हो रहा था सुबह के 8 बजे का। सुबह से उठते ही बस हमें इंतज़ार था तो रात होने का। खैर, 12 घंटे 12 साल की तरह बिताने के बाद ठीक रात के 8 बजे हम खाना पीना खाकर अपने कमरे में चले गए। बस हमें इंतज़ार था मौसी के सोने का। खैर, करीब और 2 घंटा इंतज़ार करने के बाद जब सभी लोग नींद के आगोश में आ गए तो मैं और शुभम हम दोनों उठे और टॉर्च लेकर धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगे। तो बाहर निकलते ही अंधेरे ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, साथ ही साथ ठंड इतनी थी कि घर के बाहर एक कदम निकालते ही ठंड के मारे हम कांपने लगे।
खैर फिर भी हम ठंड से मुकाबला करने के लिए स्वेटर जैकेट पहनकर आए थे। उस समय रात के 10 बजना यानी काफी रात, जिस कारण गांव पूरी तरह से सुनसान और सन्नाटे में डूब चुका था। दूर दूर तक हमें हमारे अलावा इंसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मानो इंसान तो दूर परिंदे भी अमावस से काफी डर रहे हों। खैर हमें वहां और समय जाया ना करके हम उस शैतानी मंदिर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि हमें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऊपर से अमावस की काली रात होने के कारण अमावस पर चांद का तो कोई अता पता भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमने टॉर्च नहीं जलाया, क्योंकि हम टॉर्च की रोशनी से इस अद्भुत अंधेरे को भंग करना नहीं चाहते थे। आगे बढ़ते वक्त हमें बार बार ये डर भी लग रहा था कि हमें कोई सांप ना काट दे, क्योंकि गांव का इलाका होने के कारण यहाँ आए दिन सांप निकलते रहते हैं। मगर मुझे ये भी पता था कि सांप बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन अगर हमारा पैर उस पर आ जाए तब तो बात ही कुछ और है। पूरे माहौल में इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि हमारे पैदल चलने की आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें इस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। खैर कुछ दूर पैदल चलने के बाद हम शमशान वाले रास्ते पर पहुँचे तो दूर से ही हमें वो शमशान और उसके पीछे वो मंदिर दिखने लगा। तो वो मंदिर पूरी तरह से घने कोहरे में डूबा हुआ था। हम जल्दी जल्दी अपने कदमों को चलाकर उस मंदिर के थोड़ा करीब पहुँचे तो मंदिर के करीब पहुँचते ही हम एकदम से हैरान हो गए, क्योंकि उस शैतानी मंदिर के करीब पहुँचते ही हमने देखा कि उस मंदिर का दरवाज़ा खुला हुआ है और उस दरवाजे के अंदर से हल्की लाइटें आ रही हैं। मगर मौसी ने तो कहा था कि ये शैतानी मंदिर काफ़ी सालों से बंद है, तो मंदिर के अंदर से रोशनी कैसे आ सकती है? कहीं गांव वालों की बात सच तो नहीं है कि आज भी वो तांत्रिक इस मंदिर में आते हैं? अभी हम ये सोच ही रहे थे तभी एकदम से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आई। उस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि मानो उस आदमी का कोई अंग शरीर से कटकर अलग हो गया हो। उस चीख को सुनते ही हमें पता चल गया कि वो चिल्लाने की आवाज़ उस शैतानी मंदिर से ही आ रही है। तो हम चलकर उस मंदिर के पास पहुँचे। अब शुभम थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, जिस कारण वो मुझे ही दरवाजे के अंदर झांकने को बोल रहा था। तो मैंने जैसे ही दरवाजे के अंदर झांका तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सारा शरीर कांपने लगा, क्योंकि गांव वालों की बात आधी सच थी और आधी उससे भी ज़्यादा डरावनी। दरअसल उस मंदिर में तांत्रिकों का एक झुंड शैतानों की मूर्ति के आगे हवन कर रहे थे और साथ ही साथ बगल में एक आदमी पड़ा हुआ था जिसका सर धड़ से अलग था, यानी वो चीखने की आवाज़ उसी आदमी की थी जब उसकी बलि हुई थी। और एक बात, सारे तांत्रिकों का शरीर पूरी तरह से कटा हुआ था, किसी के हाथ नहीं थे तो किसी का आधा शरीर नहीं था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये सभी तांत्रिक भूत हैं। मैं इतना डर चुका था कि मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर सभी भूत मेरी तरफ देखने लगे। मैं समझ गया कि अगर हम लोग ज़्यादा देर तक यहाँ रुकें तो बच नहीं पाएंगे, जिस वजह से मैंने और मेरे भाई ने हम दोनों ने मिलकर वहाँ से दौड़ लगा दी। भागते भागते जब मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो सारे भूत मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। फिर जैसे ही हम भागते भागते गांव के रास्ते पर पहुँचे तो वो सभी भूत एकदम से गायब हो गए। तो इस तरह से उस रात
हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। गांव के इकलौते स्कूल विद्यासागर में आज रात से ही जिग्नेश का काम शुरू होने वाला था। दरअसल जिग्नेश को विद्यासागर स्कूल में चपरासी का काम मिला था। काम के मुताबिक उसे दिन में तो ड्यूटी करना ही था, साथ ही रोज रात को स्कूल में रुककर उसे चौकीदारी भी करनी थी। हालांकि काम थोड़ा ज्यादा जरूर था, मगर इन सारे कामों के बदले जिग्नेश को एक अच्छी तनख्वाह मिलने वाली थी। शाम के तकरीबन 4:30 बजे जब सारे बच्चों की छुट्टी हुई तो एकाएक सारे मास्टर भी अपने अपने घर को निकलने लगे। तभी हेडमास्टर साहब चलते हुए जिग्नेश के पास आए और बोले, सारे बच्चे निकल गए हैं तो एकाएक सारे क्लासरूम का दरवाजा जाकर बंद कर दो। अब मैं भी निकलता हूँ, कल सुबह मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर हेडमास्टर साहब एक तरफ चले गए और जिग्नेश सभी कमरों का दरवाज़ा बंद करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। बच्चों के शोर से गूंजता स्कूल अब धीरे धीरे खामोशी के गिरफ्त में था। सारे कमरों का दरवाज़ा बंद करने के बाद जिग्नेश जब तक नीचे आया तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, जो कि इस ठंड के मौसम में लाजमी ही था। स्कूल 3 मंजिला था और कमरों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए जिग्नेश कहीं पर भी 2-3 बेंचों को सटाकर आराम से सो सकता था। रजाई और बिस्तर वगैरह सब कुछ उसे स्कूल की तरफ से ही मिला था। अंधेरा हो जाने के बाद स्कूल देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। ना तो किसी फ्लोर में एक भी लाइट जल रही थी और ना ही उस पूरे बिल्डिंग में जिग्नेश के अलावा दूसरा कोई मौजूद था। जिग्नेश को स्कूल में रात बिताने को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि इस काम में आज उसका पहला दिन था। खैर, एक लंबी सांस भरकर जिग्नेश सोचने लगा कि आज वो किस मंजिल पर रहेगा। ग्राउंड फ्लोर के सभी कमरों में ताला लगा हुआ था, क्योंकि वो सारे कमरे सामानों से भरे पड़े थे, इसलिए अब जिग्नेश या तो दूसरे फ्लोर में रुक सकता था या फिर 3रे फ्लोर में। बहुत सोचने के बाद जिग्नेश ने दूसरी मंजिल पर रात कटाने का फैसला किया और मन में ये ठानते ही वो सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने लगा। जिग्नेश अभी सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसके साथ साथ सीढ़ियां चढ़ रहा हो, क्योंकि जिग्नेश अपने कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज़ भी साफ तौर पर सुन पा रहा था। उसने तुरंत अपनी टॉर्च की लाइट चारों तरफ घुमाई, मगर टॉर्च की रोशनी में टूटी फूटी पुरानी सीढ़ियों को छोड़कर बाकी कुछ जिग्नेश को नहीं दिखा। जिग्नेश को लगा ये उसके मन का वहम होगा, मगर जब जिग्नेश सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर रुका तब भी वो सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आती रही और आवाज सुनकर जिग्नेश ने यह साफ तौर पर महसूस किया कि वो सीढ़ी चढ़ने की आवाज धीरे धीरे 3री मंजिल पर जाकर खत्म हो गई। पहले पहले तो जिग्नेश काफी डर सा गया, मगर फिर उसने सोचा शायद उसी के कदमों की आवाज पूरे फ्लोर में गूंज रही होगी और ये सिर्फ उसका एक वहम मात्र है, बाकी अगर कोई होता तो दिखता जरूर। यही सब सोचते सोचते जिग्नेश एक क्लासरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और अंदर जाकर दरवाजा बंद करके बैठ गया। रात और ठंड दोनों ही धीरे धीरे घनी होती जा रही थी।
कुछ घंटों के बाद जिग्नेश ने घर से लाया हुआ खाना खाया और खाना पीना हो जाने के बाद सोने की तैयारी करने लगा। उसने क्लासरूम के तीन बेंचों को आपस में जोड़ा और अपना बिस्तर लगाकर उसी पर लेट गया। लेट तो वो गया था, मगर नींद शायद जिग्नेश की आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर लेटे लेटे जिग्नेश अभी सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने जिग्नेश के ठीक ऊपर वाले क्लासरूम में बेंच सरकाया हो। हालांकि ये आवाजें दिन के शोर शराबे में उतनी तेजी से नहीं सुनाई देती, मगर रात की उस गहरी खामोशी में वो आवाज ऐसे सुनाई पड़ रही थी जैसे कान के पास से ही आ रही हो। पहले तो जिग्नेश ने सोचा जरूर कोई चूहा वगैरह होगा, मगर फिर उसे ख्याल आया कि कोई चूहा बेंच तो नहीं सरका सकता। हालांकि उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने तीसरी मंजिल पर जाने के लिए खुद को तैयार कर ही लिया और टॉर्च उठाकर तीसरी मंजिल की तरफ चलता बना। सीढ़ियां चढ़कर जिग्नेश जैसे ही तीसरी मंजिल पर पैर रखा तो उसके शरीर के रोंगटे एकदम से फूलने लगे और उसे बहुत तेज ठंड लगने लगी। अब ऐसा क्यों हो रहा था जिग्नेश को कोई आइडिया नहीं था। उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद यहाँ इस तीसरी मंजिल पर ठंड ज्यादा है, लिहाजा वो आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वो हर एक क्लासरूम के दरवाजे पर टॉर्च मार मार कर देख रहा था कि कहीं किसी कमरे का दरवाजा खुला हुआ तो नहीं है। अभी वो टॉर्च मारते मारते आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक क्लासरूम का दरवाजा खुला हुआ है। उस खुले हुए दरवाजे को देखकर जिग्नेश को बहुत हैरानी हुई कि आखिर ये दरवाजा अपने आप ही खुला तो खुला कैसे, क्योंकि जिग्नेश को अच्छे से याद है कि उसने इस कमरे का दरवाजा सही से बंद किया था। खैर, डरते डरते जिग्नेश उस क्लासरूम में दाखिल हुआ। टॉर्च घुमाकर चारों तरफ देखा, मगर उस कमरे में कोई नहीं था और ना ही कोई बेंच अपनी जगह से हिला हुआ नजर आ रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पूरा कमरा जांच लेने के बाद भी जब जिग्नेश को कोई अजीब चीज नहीं दिखी तो वो कमरे से बाहर निकला और दरवाजा लॉक करके वापस दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। जिग्नेश अभी सीढ़ियों की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे पीछे की तरफ से किसी के फ्लोर पर दौड़ने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर जिग्नेश चौंकते हुए एकदम से पीछे मुड़ा, मगर पीछे कोई नहीं था। जिग्नेश को अब समझ आने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए वो अपने कदम तेजी से चलाने लगा। जिग्नेश अभी चलकर सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था कि तभी उसे पीछे से आवाज आई, अंकल इधर हूं मैं। उस आवाज को सुनकर जिग्नेश के बदन में खून की जगह डर दौड़ने लगा, मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर वो पीछे पलटा तो पाया कि फ्लोर के उस तरफ जहां लोहे की रेलिंग लगी हुई थी उस तरफ एक बच्चा रेलिंग के ऊपर खड़ा है। उस बच्चे की उम्र यही कोई 15-16 साल के आसपास की रही होगी। तभी उस बच्चे ने चिल्लाकर जिग्नेश को कहा, अंकल टॉर्च मत जलाओ। जिग्नेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्चे को क्या जवाब दे। वो किसी भूत की तरह खड़े होकर सिर्फ उस बच्चे को देखे जा रहा था, मगर तभी उस बच्चे ने जिग्नेश की तरफ देखते हुए बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी। ये देखकर जिग्नेश के होश उड़ गए और वो दौड़ता हुआ नीचे पहुंचा।
मगर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वहां नीचे कोई बच्चा नहीं था। जिग्नेश को समझ आ गया कि यहां ज्यादा देर तक रुकना उसके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए वो स्कूल में ना रुककर सीधे घर आ गया। अगले दिन जब जिग्नेश वापस स्कूल गया तो उसने हेडमास्टर साहब को पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर हेडमास्टर साहब ने बताया कि आज से कुछ साल पहले बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से उस बच्चे ने स्कूल के तीसरे मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसी की मौत के बाद से ही उस तीसरी मंजिल पर अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगीं। इससे पहले स्कूल ने बहुत से चपरासी रखे थे, मगर कोई भी एक रात से ज्यादा टिक नहीं सका। ये सब सुनकर जिग्नेश ने उसी दिन उसी वक्त वो नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया।